हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मलाई से घी आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक मक्खन बनाकर और दूसरा डायरेक्ट मलाई से। मलाई से सीधे घी निकालने के लिए आप इसे कढ़ाई में डालकर घी निकालने तक पका लें, लेकिन इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लग सकता है। मलाई से घी बनाने के लिए आप गाय या भैंस के दूध का इस्तेमाल करें और कम से कम 10-15 दिन की मलाई स्टोर करके फ्रिज में रख लें। जब आपको घी निकालना हो उस दिन कम से कम 8 से 10 घंटे पहले मलाई को फ्रिज से निकालकर बाहर रख दें। ऐसा करने से मलाई रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी और घी निकालने में आसानी होगी। स्टार्टिंग के 5 मिनट तक घी को हमें हाई फ्लेम पे पकाना है और कंटिन्यू स्टर करते जाना है, अदरवाइज़ आपकी जो मलाई है वो कढ़ाई में चिपक जाएगी। 5 मिनट के बाद गैस को सिम कर लेना है और इसको सिम करके ही पकाना है। बीच बीच में आप मलाई को चलाते जाइए। ये देखिए, यहाँ पे कम से कम आधा घंटा हो चुका है मुझे, ये इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, लाइट ब्राउन कलर दिख रहा होगा आपको। बस आपको धीरे धीरे इसको चलाते रहना है बीच बीच में। ये देखिए, यहाँ मलाई ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हमको यहाँ मुश्किल से 5 मिनट्स और लगेंगे। विद इन अ 5 मिनट मलाई अच्छे से पक जाएगी और घी सेपरेट हो जाएगा। हमें एक बात का ध्यान रखना है, इसको बस चलाते रहना है जिसमें जले ना। ये देखिए, आप इसमें क्लियर घी दिख रहा होगा। बस यहाँ हमारा घी जो है रेडी होने ही वाला है। ये जो थोड़े थोड़े ऊपर आपको मलाई की एक लेयर दिख रही है, ये भी ख़त्म हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप गैस को बंद करेंगे। ये देखिए, ये जो घी है हमारा वो पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब गैस को बंद कर दें और ठंडा होने पर इसे छान लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।